नीलकंठ गट्टू और चिंकी घर के बाहर खड़े हुए बस का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में बस आ जाती है और मम्मी दोनों को बस में चढ़ा देती है। बाय बाय मम्मी। बाय बाय बेटा, आज टिफिन में आपका फेवरेट सैंडविच रखा है, याद से फिनिश कर लेना। दो सैंडविच मैंने एक्स्ट्रा भी रखे हैं। ओके मम्मी, हम सब खा लेंगे। बाय बाय। और मम्मी बस जब तक आंखों से दूर नहीं हो जाती वो देखते ही रहती है। थोड़ी देर में सब स्कूल पहुंच जाते हैं। प्रार्थना के बाद हेडमास्टर आकर एक घोषणा करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आशा करता हूँ सभी लोग नए साल में नए रेजुलेशंस बना लिए होंगे और पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दे रहे होंगे। यस सर। इस साल हमने निर्धारित किया है कि हफ्ते में एक बार आपकी एक स्पेशल क्लास लगाया करेंगे, जिसमें देश की संस्कृति, धर्म और इतिहास के बारे में अलग से जानकारियाँ दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्पेशल क्लास से बहुत कुछ नया और यूनिक सीखेंगे। आप सभी इसके लिए तैयार हैं? यस सर। ठीक है, बुधवार को लास्ट पीरियड इसी विषय का होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमेशा की तरह दिन भर अलग अलग विषयों की कक्षाएं चलती हैं, लेकिन सब बच्चों का ध्यान आखिरी पीरियड पर होता है और अंततः आखिरी पीरियड आ भी जाता है। कैसे हैं सब बच्चे? बहुत अच्छे सर। जैसा कि हेड सर ने बताया था, आज से हम एकदम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और धर्म पर चर्चा करेंगे। सबसे खास बात है उन इतिहास की बातें करेंगे जिसको लोग माइथोलॉजी कह देते हैं, जबकि सबके साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है? ओके सर। आज हमारा पहला विषय रहेगा नीलकंठ। वैसे तो सबको पता ही होगा कि शिव जी को हम देवों के देव महादेव कहते हैं। उनके लिंग के रूप में भी पूजा होती है और उनके बहुत से फोटोज भी देखे होंगे आपने। उनमें से ही उनका एक रूप है नीलकंठ महादेव का, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। सो आर यू एक्साइटेड? यस सर। ठीक है, मैं पावर पॉइंट शुरू कर देता हूँ। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, कंठ मतलब गला, शिव जी का गला नीला होता है बहुत सी फोटोज और वीडियोज में, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। ऐसा क्यों और किस लिए हुआ? आखिर शिव जी ने विष पिया ही क्यों? इसको हम आज कहानी के रूप में जानेंगे। ओके सर। और टीचर कहानी बोलना शुरू कर देते हैं। एक बार की बात है, समुद्र मंथन चल रहा होता है। देवता और असुर दोनों मिलकर शेषनाग को दोनों ओर से पकड़कर समुद्र मंथन कर रहे होते हैं। एक के बाद एक बहुत कुछ निकल रहा होता है उसमें। वाओ, लेकिन इसमें शेषनाग जी का क्या काम? आज के टाइम में तो आप लोगों के पास मिक्सर होता है, जिससे सब घरों में मक्खन बनता है। पहले मथनी हुआ करती थी, जिसमें रस्सी लगाकर दही को या जिस भी सामान को मथना होता था मथा जाता था। मथना क्या होता है सर? मथना एक प्रक्रिया है जिसमें से गोल घुमाकर दही से क्रीम या जिसको लोग मक्खन बोलते हैं वो निकाला जाता है। कृष्ण भगवान यही मक्खन तो खाया करते थे। उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती थी। उसी तरीके से समुद्र का भी मंथन हो रहा था, जिसमें से लक्ष्मी मैया भी निकली, जिनकी हम दिवाली को पूजा करते हैं। मतलब लक्ष्मी जी का बर्थ ऐसे हुआ था? हाँ, तभी तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दिवाली को। खैर, आज हम नीलकंठ महादेव की कहानी को पूरा करेंगे। समुद्र मंथन के समय उसमें से अमृत और विष भी निकला। इस मंथन में से बाकी जितनी भी चीजें निकली उसको तो देवताओं और असुरों ने बांट लिया। अमृत तो नहीं निकला, पहले विष निकला, तो सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अरे, कौन पिएगा इस विष को? जब तक कोई विष को नहीं पिएगा अमृत नहीं निकलेगा। अरे, इसको यदि जल्दी नहीं पिया गया तो फिर ये पूरी जगत में फैल जाएगा और सब नष्ट हो जाएगा। किसमें है इतनी क्षमता जो इस विष को पी ले? चारों ओर हाहाकार मच गया। क्या देवता, क्या दानव, पृथ्वी लोक के मनुष्य, जानवर तक इसके प्रभाव में आने लगे। लगा सब मर जाएंगे। इस हाहाकार को देखकर सभी देवताओं और दानव ने शिव जी का आवाहन किया। हे महादेव, आप आए और इस विष का पान करके संपूर्ण जगत को बचाएं। हे देवों के देव महादेव, आप अपने नेत्र खोल कर देखें, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शिव जी देखते हैं कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, वो अपने नेत्र खोलकर आगे बढ़ते हैं।
वाओ, फिर क्या हुआ सर? फिर क्या, सारा विष शिव जी ने अपने कंठों तक भर के रोक दिया, उसको निकला नहीं। मैं इस विष को पी रहा हूँ, इसको पीने से सारा संसार बच जाएगा। और ये कहते हुए शिव जी आगे बढ़कर संपूर्ण विष पान कर लेते हैं, लेकिन कंठों के नीचे नहीं जाने दिया इस विष को, जिससे उनके कंठ नीले पड़ गए। उनको कुछ हुआ नहीं? वो तो देवों के देव हैं, उन्होंने तो धरा को संभाला हुआ है, उन्होंने कंठों तक विष को रोक रखा। लेकिन कब तक सर? कहते हैं 60,000 साल तक उन्होंने इसको कंठों में रखकर तपस्या की, जिससे इसकी गर्मी और प्रभाव शांत हो, जिसकी वजह से उनके कंठ नीले पड़ गए और उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। वाओ, लेकिन ये तपस्या उन्होंने कहाँ की? आप सबको जानकर खुशी होगी कि ये जगह ऋषिकेश में ही है, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा मंदिर भी है। हर साल सावन मास में वहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, लाखों लोग कांवड़ लेकर भी जाते हैं। कांवड़ मतलब? कांवड़ मतलब छोटी मटकी, जिसमें गंगा जल भरकर कंधों पर टांग कर नीलकंठ महादेव को वो गंगा जल चढ़ाया जाता है। आज भी? हाँ बच्चों, आज भी जल चढ़ाकर उष्णता को शांत किया जाता है, साथ ही बेलपत्र भी चढ़ता है नीलकंठ महादेव को। शिव जी ने हमारे लिए इतना पेन दिया? हाँ, उन्होंने सिर्फ हम सब के प्राण बचाने के लिए सारे विष को खुद पिया। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। तो सबको समझ आ गई पूरी कहानी? महत्व तो समझ आया नीलकंठ का? यस सर, मैं भी शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा अब से हमेशा सर। वेरी गुड, आज की क्लास में बस यही, अगली क्लास में हम एक नई कहानी सुनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।